लॉरेंस बिश्नोई के हमले से एक बार फिर से बाल बाल बचे सलमान खान। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिर से रेकी कराई है। रेकी करने वाले कपिल पंडित और महाराष्ट्र का शार्प शूटर संतोष यादव कई दिन मुंबई में रहे हैं। कपिल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का आरोपी है। इन सबको लॉरेंस का भांजा सचिन थापन लीड कर रहा था। ये खुलासा पंजाब पुलिस की कपिल पंडित से पूछताछ में हुआ है। पंजाब पुलिस सलमान को धमकी की भी जांच में जुट गई है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि लॉरेंस ने गैंगस्टर संपत नेहरा और गोल्डी बराट के जरिए कपिल पंडित से अप्रोच किया था। लॉरेंस उसके जरिए सलमान खान को टारगेट करना चाहता था। कपिल ने लॉरेंस के भांजे सचिन थापन और महाराष्ट्र के शूटर संतोष यादव के साथ मिलकर काफी वक्त मुंबई में बिताया। सलमान खान को मारने के लिए बड़ी रेकी भी की थी। पंजाब पुलिस इस एंगल को भी वेरीफाई कर रही है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि कपिल पंडित को पंजाब पुलिस पकड़ चुकी है। संतोष यादव भी महाराष्ट्र में पकड़ा जा चुका है। सचिन थापन अभी भी अजरबैजान में डिटेक्ट हो चुका है। तीनों को लाकर इंटरोगेशन की जाएगी। इसके लिए पंजाब पुलिस की पार्टी मुंबई भी जाने वाली है। सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस चार बार प्लानिंग कर चुका है। इसके लिए उसने राइफल तक खरीदी है। लॉरेंस ने शूटर संपत नेहरा को 2018 में सलमान को मारने मुंबई भेजा था। बहरहाल पूरी खबर खुलकर आपकी क्या राय आप कमेंट बॉक्स में।